कोरोना संक्रमण की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है और आज भी मुख्य सचिव के साथ और प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के साथ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा ही चल रही थी और उसमें कई बिंदुओं पर बहुत विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैं संक्षेप में एक दो चीज़ें आपको बता देता हूं और डिटेल्स फिर मैं आपको प्रेस रिलीज के माध्यम से शेयर करूंगा। पहला तो अब जो केसेस आ रहे हैं उसको लेकर अब जो वल्नरेबल सेक्शंस के लोग हैं, वल्नरेबल ग्रुप है जिसको मुख्य रूप से 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं और जो अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उनकी सुरक्षा पर अब विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया गया है। तो एक तो ये था, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है इसके लिए विशेष रूप से स्ट्रेटजी बनाकर काम किया जाए। दूसरा कि अभी भी देखा जा रहा है कि मास्क का उपयोग और प्रमोट करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए पुनः जो अवेयरनेस कैंपेन एक चलाई जाए और लगातार लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाए। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से कोविड के बारे में सभी मीडिया हाउसेस से काफ़ी अपील जा रही थी, तो मास्क के लिए भी आप लोग विशेष रूप से बिहार में ज़रूर अपील करें। तीसरा कि जो कोमॉर्बिडिटी के केसेस हैं, जो लोकेश आपको ब्रीफ भी करते हैं डेली, तो ऐसे केसेस को लेकर अब बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तो इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग को कहा गया है कि स्ट्रेटजी बना के, और मुख्य सचिव को भी कहा गया है कि सभी जिलाधिकारियों से समीक्षा कर इसके लिए व्यवस्था की जाए। पांचवा कि जो बाहर से लोग आए हैं, जो हमारे लोग बाहर थे और विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों से आए हैं जहां संक्रमण का स्तर बहुत ज़्यादा था, तो ऐसे एरियाज़ में जहां पर ऐसे ज़्यादा लोग आए हैं उस क्षेत्र की विशेष स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत है। और अगर वो एरिया एक आइडेंटिफाई होता है तो उस आइडेंटिफाइड एरिया में अधिक से अधिक टेस्ट कराए जाएं, इसके लिए निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अभी मानसून चूँकि आ गई है, हो सकता है बाढ़ की संभावित स्थिति अगर बनेगी तो ऐसे में भी जिला प्रशासन को कोरोना को लेकर और बाढ़ को लेकर दोनों फ्रंट्स पर चुनौती रहेगी और उसके लिए अभी से तैयारी कर ली जाए, इसके लिए निर्देश दिया गया है। जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा आइसोलेशन वार्ड्स की सुविधा दी गई है और वहाँ बताया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था, एक दो सिलेंडर्स रखे जाते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। और दूसरा कि टेस्टिंग का रेंज थोड़ा बढ़ाया जाए, वाइड लेवल पर थोड़ी टेस्टिंग हो, क्योंकि अब टेस्टिंग की संख्या काफ़ी बढ़ रही है तो वाइड लेवल पर टेस्ट हो, इसके लिए निर्देश दिया गया है। और अवेयरनेस ड्राइव पर पुनः फोकस किया गया है कि माइकिंग के माध्यम से, लाउडस्पीकर के माध्यम से और अन्य सभी माध्यमों से भी लगातार अवेयरनेस ड्राइव किया जाए, तो मुख्य रूप से ये निर्देश दिए गए थे। और जो रूटीन फिगर है एक दो मैं बता देता हूँ आपको कि अभी तक जो गैर राशन कार्डधारी परिवार थे बिहार में, उनमें से 21,17,000 का राशन कार्ड उनके बनाए जा चुके हैं और ये जैसा मैंने पहले बताया था 25 जून से इनका वितरण प्रारंभ होगा और विभाग ने सूचित किया है कि उनका लक्ष्य है कि 15 जुलाई तक इन सभी का वितरण भी पूर्ण कर लिया जाए। और रोजगार सृजन को लेकर अब तक 4,66,000 से ज़्यादा स्कीम्स लॉकडाउन पीरियड के बाद से अब तक चली हैं और उनमें अभी तक लगभग 7,80,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है।